हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी पाव भाजी की है। जिस तरह की पाव भाजी शादी पार्टी या फिर रेस्टोरेंट या फिर ठेलों पर मिलती है, आज हम बिल्कुल वैसी ही पाव भाजी बनाकर तैयार करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सब्जियों में मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के गाजर और 1 मीडियम साइज़ के गोभी के मैंने फ्लोरेट ले लिए हैं। 5 छोटे साइज़ के ही मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और आधा मैंने बीटरूट लिया है। आधा कप मैंने मटर ली है, मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ली है, आप इसकी जगह पर फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब इन सब्जियों को पकाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। सब्जियों को पानी से हमने अच्छी तरह से वॉश करके लिया है, क्योंकि सब्जियों को पकाते समय हम जिस पानी का यूज़ करेंगे उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, उसका यूज़ हमें पाव भाजी बनाने के लिए करना है। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करूँगी, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। कुकर को कवर करके अब हम सब्जियों को पकाने के लिए रखेंगे। 1 सीटी लगाएंगे हम हाई फ्लेम पर और 4 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। सब्जियों को हमें ओवर कुक भी नहीं करना है। 5 सीटी आने के बाद प्रेशर रिलीज हो चुका है और सब्जियाँ पूरी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब इनको एक पोटैटो मैशर से हम अच्छे से मैश करेंगे। पाव भाजी में सब्जियां अलग अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसीलिए ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। सब्जियां तो अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन में करीब 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, साथ में हम 1 बड़ा चम्मच बटर भी ऐड करेंगे। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जीरे को फ्राई करने के बाद आधा कप फाइन चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर अभी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को भी मीडियम फ्लेम पर करीब 1 से 1.5 मिनट तक पका कर लेंगे। शिमला मिर्च पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके कच्चे फ्लेवर को दूर करने के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे आधा मिनट तक भून कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने पका लिया है। अब मैं ऐड करूंगी 1.5 कप टमाटर। मैंने यहाँ पर आधा कप प्याज, 1 कप शिमला मिर्च और 1.5 कप टमाटर ऐड किया है, क्योंकि पाव भाजी में टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है। अब मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी पक जाता है। सभी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इनको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर टमाटर के पूरी तरह से मैशी होने तक पकाएंगे। करीब 4 मिनट के बाद टमाटर को चेक करेंगे। ये देखिए कि पूरी तरह से मैशी हो चुका है। गैस की फ्लेम लो करने के बाद अब मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच में पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। अब लो फ्लेम पर ही मसालों को हम कुछ देर तक पका कर लेंगे। मसालों को थोड़ी देर तक पकाने के बाद अब हम इसमें पकाई हुई सब्जियां ऐड करेंगे। अब सब्जियों को भी मसालों के साथ हम 1 से 1.5 मिनट तक भून कर लेंगे। मसालों के साथ मैंने सब्जी को भी अच्छे से भून लिया है। अब इस स्टेज पर सब्जियों को हम एक बार फिर से थोड़ा सा मैश करेंगे, ताकि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज अलग से दिखाई ना पड़े। तो ये सब्जियां मैश हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। नमक हम पहले सब्जियों को पकाते समय और टमाटर को पकाते समय ऐड कर चुके हैं, इसीलिए अभी हम 1 छोटा चम्मच ही नमक ऐड करेंगे। अब सब्जी और पानी दोनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस समय तैयार पाव भाजी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पाव भाजी ठंडी होने के बाद थिक होती जाती है, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी चाहिए। पानी ऐड करने के बाद पाव भाजी को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। पाव भाजी को कवर करके पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश धनिया पत्ती और साथ में थोड़ा सा बटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर पाव भाजी को 15 से 20 सेकंड के लिए कवर करके और पकाएंगे, ताकि धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। 20 सेकंड के बाद बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आप घर पर ही पाव भाजी को स्ट्रीट स्टाइल या फिर ठेले वाले के स्टाइल में सर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक लोहे का तवा लें। इस पर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालें। ऑयल के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड करें। बटर के मेल्ट होते ही इसमें 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करें। मसाले ऐड करते समय गैस की फ्लेम लो रखें। अब इसमें तैयार पाव भाजी ऐड करें।
भाजी की कंसिस्टेंसी यदि ठीक है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें। अब पानी ऐड किया है तो थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक भाजी को पकाएंगे। भाजी में उबाल आ चुका है तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। यदि आपके पास बड़ा लोहे का तवा है तो भाजी के साथ ही आप इस पर पाव को भी सेक सकते हैं। तो अभी हम इसी तवे पर पाव को भी सेकेंगे। भाजी को प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद पाव को आप इस तरह से खोल कर भी सेकें और ये बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। पाव भाजी की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। मेरी वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो हर नई वीडियो के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।